दिग्रस में आर्नी बाईपास चौक पर वाल्मीकि नगर के पास 1 अगस्त को हर साल की तरह इस साल भी लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे की 104वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुवार को शहर के मातंग समाज बंधु द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा को पुष्प अर्पण कर अभिवादन किया। इस मौके पर तहसीलदार अर्जुन पावरा, नगरपालिका मुख्याधिकारी अतुल पंत, नायब तहसीलदार सुधाकर राठौड़ आदि ने अन्ना भाऊ साठे को याद करते हुए सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित पत्रकार बंधु और मातंग समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अन्ना भाऊ साठे ने अपने जीवन काल में मातंग समाज के साथ ही अन्य पिछड़ी जनजातियों के न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। अपने साहित्य के जरिए उन्होंने उपेक्षित समाज, अन्याय और गरीबी से त्रस्त समाज का चित्रण कर उनके हक में आवाज उठाई है। साहित्य क्षेत्र में उन्हें यूं ही साहित्य रत्न नहीं कहा जाता। उनके साहित्य संग्रह में दर्ज कहानियों में तत्कालीन समाज की वास्तविकता का चित्रण उन्होंने इस अंदाज में किया कि पश्चिमी देशों में भी उन्हें प्रगतिशील लेखक और वास्तववादी कलमकार के रूप में जाना जाता है। महाराल दिग्रस शहर में आयोजित उनकी 104वीं जयंती के मौके पर मान्यवरों ने लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे को याद कर उनकी जयंती पर मातंग समाज बंधु को शुभकामनाएं पेश की। आज लोकशाहीर साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे यांची 104वीं जयंती आपण साजरी करतो आहे। सर्वप्रथम मी तमाम दिग्रसवासियांना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। आताच उपस्थितांनी संबोधली आहे की लोकशाहीर साहित्य रत्न या समाजाला एक नवी दिशा, नवी प्रेरणा देण्याचं काम साहित्य रत्न अण्णा भाऊ साठेंनी दिलं आहे। माझी सर्व तमाम दिग्रसवासी इथे उपस्थित आहे, सर्वांना एक विनंती आहे की त्या काळामध्ये त्यांनी जो साहित्याची खान, पुस्तकाबद्दल असलेलं आपलं प्रेम त्या काळात जोपासलं, याही काळात आपण त्यांच्या नावाने एक साहित्य रत्न, साहित्याची खान म्हणून दिग्रसमध्येही एक मोठ्या ग्रंथालयाची निर्मिती करावी आणि त्यामध्ये आपण सर्व आम्ही समाजप्रेमी आहोतच, सर्व समाज बांधव आणि जे काही सर्व सामाजिक संस्था आहेत त्यांच्या पुढाकाराने ते यशस्वीरित्या आपल्याला करता येईल आणि दिग्रसमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण सर्व समाज बांधव राहतात तर दिग्रसलाही लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचं स्मारक व्हावं ही मागील अनेक दिवसांपासून समाज बांधवांची इच्छा होती। माझी शासन प्रशासनामधील सर्व व्यक्तींना विनंती आहे की ज्या पद्धतीने आपण समाजभूषणांचा, समाज प्रवर्तकांचा आजपर्यंत मान सन्मान करत आलो आहोत त्याच पद्धतीने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचंही स्मारक या डिग्रसच्या भूमीला व्हावं ही सर्व समाज बांधवांतर्फे मी शासन प्रशासनाला विनंती करतो आणि पुन्हा एकदा आपण सर्वांना लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे तैलचित्र समिति के पत्रकार बबन राव इंगले, अभय इंगले, किशोर कामले, अश्विन इंगले और राजेश इंगोले, सुनील कामले आदि ने योगदान दिया है। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।